वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम केस लॉस के बारे में बात करेंगे। आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने बताया है कि आपको रिप्लाइज़ कैसे ड्राफ्ट करना है, आपको CIT अपील के सामने सबमिशंस कैसे ड्राफ्ट करने हैं, और उस ड्राफ्टिंग में केस लॉस का कितना इम्पोर्टेंस होता है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी इसके लिए, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि केस लॉज हमें कैसे बेनिफिशियल होते हैं अपने ड्राफ्टिंग में, स्पेशली इन द रिप्लाइज़ में आपको देना है। 142(1) का नोटिस सर्व हुआ है, 143(2) का नोटिस सर्व हुआ है, या आप सबमिशंस बना रहे हैं, या आप स्टे पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो केस लॉज का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सक्लूसिवली अबाउट द केस लॉज, उसका रेलेवेंस एंड हाउ इट विल बेनिफिट अस इन द टैक्स प्रोसीडिंग। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, तो आपको मेरे साथ एंड तक रहना है सो दैट यू नो वी डिस्कस एवरीथिंग इन डेप्थ, सो दैट आपको पता चले कि कौन से रिप्लाइज में आपको केस लॉज कोट करने हैं, कहाँ पे वो बेनिफिशियल है, एंड इन व्हाट मैनर यू हैव टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ केस लॉ। सो द टैक्स प्रोविजन, इफ यू टॉक अबाउट, सो ए केस लॉ मीन्स इट इज़ अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। मतलब कोई केस होगा जिसको डिस्कस किया गया है, वेयर इन द डिपार्टमेंट वॉज नॉट एग्रींग विद द SSC और द SSC वॉज नॉट एग्रींग विद द डिपार्टमेंट एंड द मैटर वेंट टू सम अदर अथॉरिटी हु हैज़ टू डिसाइड, दैट मीन्स द जज। तो हमारे यहाँ पे हायरार्की तो पता ही है, वी नो द हायरार्की इन द टैक्सेशन सिस्टम। एसेसिंग ऑफिसर विल पास द ऑर्डर, इफ़ यू आर अग्रीव्ड विद द ऑर्डर यू विल मूव टू द नेक्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी दैट इज़ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। आपकी वो फर्स्ट लेवल अथॉरिटी है, अगर वहाँ पे आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट हायरार्की विच इज़ द सेकेंड अपेलेट अथॉरिटी एंड दैट इज़ द ITAT, इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल, एंड द थर्ड अथॉरिटी विच इज़ देन द हाई कोर्ट, एंड नेक्स्ट द लास्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। सो हम ऐसे हायरार्की में मूव होते हैं। तो जब आपका ऐसा कोई केस है जो इस हायरार्की में मूव हो रहा है एंड उसके लिए कोई डिसीजन आया हुआ है, तो वो बन जाता है केस लॉ, बिकॉज दैट केस इज गिविंग आउट अ लॉ। सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट का डिसीजन होता है, इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। ये तो हम सब जानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ डिसाइड कर दी है, देन ऑल द कोर्ट्स, ऑल द लोअर अथॉरिटीज अक्रॉस द इंडियन टेरिटरी, जहाँ पे इंडियन टेरिटरी में वो जज बैठे हैं या कोर्ट फंक्शनिंग कर रहा है, दे हैव टू अबाइड बाय दैट लॉ विच इज़ बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर नहीं है किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे, देन वी लुक एट द हाई कोर्ट। और अगर आपका ज्यूरिसडिक्शनल ITAT ट्राइब्यूनल है, जैसे मुंबई है, अब मेरा केस मुंबई में फॉल होता है, एंड मुंबई ITAT ने कोई चीज़ डिसाइड की है and it is fitting to my case and I can always quote that case law. So this is it. तो tax provision यही है कि जो case law है, it is a judicial precedent which is made by the courts and decided by the judges. एक accountant member होता है, एक judicial member होता है, ऐसे करके you have two members sitting. So the judicial precedent operates under the principle of stare decisis, which literally means to stand by decisions. डिसीजन जो भी लिया जाता है कोर्ट में या एपेलेट अथॉरिटीज़ जो भी डिसाइड करती हैं, वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और हम पर बाइंडिंग होता है, इट इज़ बाइंडिंग टू ऑल ऑफ अस। सो दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट अ कोर्ट मस्ट फॉलो एंड अप्लाई द लॉ एज सेट आउट इन द डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स इन प्रीवियस केसेस। सो इन ऑर्डर फॉर द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसीजंस टू ऑपरेट, अ जज मस्ट नो व्हाट द प्रीवियस डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स आर। सो आई यू नो जब भी आपको मौका मिले केस लॉ पढ़ने का, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज कई बार जजेस कुछ कुछ इतने ब्यूटिफुल ऑर्डर्स पास करते हैं जिसमें दे डिस्कस इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द सेंस राइट फ्रॉम द इंटेंशन विच मेड दैट प्रोविजन टू कम इन टू प्लेस। कई बार प्रोविजन को अगर हम सिर्फ बाय मियर वर्ड्स पढ़ते हैं, देन हम उसको वैसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते जो जिस एक्चुअल सेंस में उसे लिखा गया है। सो टू गो इनटू द रूट
ऑफ वाई दैट प्रोविजन वॉज एक्चुअली क्रिएटेड, यू हैव टू लुक एट द इंटेंशन कि वो बनाया क्यों गया था, उसका आपको रीजन्स पढ़ना पड़ेगा. वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस एट द फर्स्ट इंस्टेंस, यू नीड टू नो दैट फर्स्ट. ओके, सो हियर नाउ रेफरिंग केस लॉज इज असेंशियल फॉर वेल फंक्शनिंग ऑफ अ लीगल सिस्टम. मैंने बताया आपको इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट वेन एवर अ लॉ इज मेड यू नीड टू सी द इंटेंशन, वाई वॉज इट क्रिएटेड. सो इट ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज ऑफ कॉज दैट एड्स लीगल प्रोफेशनल्स इन द प्रैक्टिस. आपको पता चलता है वॉट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर विच दिस लॉ हैज़ बीन क्रिएटेड, सो दैट यू नो यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर लॉ. और जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो क्यों लिया है, वो कितना पीछे क्रक्स में गए हैं मैटर के, एंड देन यू नो दे हैव बॉट आउट अ वेरी ब्यूटिफुल लॉ और द इंटरप्रिटेशन आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस रीडिंग्स और द प्रीवियस वट एवर द इंटेंशन एंड एवरीथिंग. जो भी उन्होंने रीड किया है उससे वो जो लॉ निकल कर आया है दैट इज़ अ गुड वन. सो इट ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट एड्स लीगल प्रोफेशनल्स इन द प्रैक्टिस, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लीगल थाट एंड एन्श्योर्स दैट द लॉ रिमेन्स अडेप्टेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. Whether you are a lawyer, a student, or simply interested in understanding the workings of the legal system, delving into case laws can provide you invaluable insights that shape your understanding of justice and the rule of law. Yes, जब आप case law को कुछ cases they may run into you know hundreds of pages, but अगर आप उसको पढ़ोगे you should take out time. It requires a passionate reading. जब आप किसी जज के केस लॉ को पढ़ते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इफ़ यू सी देयर ऑर्डर्स दे आर सो ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड दैट इट गोज टू द रूट कॉज एंड आपको एक्चुअल प्रोविजन समझ में आता है. सो केस लॉ जब आपको एक्चुअली समझ में आते हैं एंड आप जब अपना केस देखते हो वो केस लॉ आपके केस के लिए कितना रेलिवेंट है, आपको उसकी रेलिवेंस समझती है एंड वो इमिजिएटली आपके केस को कनेक्ट करके इमीडिएट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हमें केस लॉ क्यों पढ़ना चाहिए. सो द रीजन्स वाई स्टार्टिंग केस लॉज इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इज आई एम कवरिंग इन द स्लाइड एंड जो मैंने अभी बताया इट इज़ ऑफ अ वेरी ह्यूज इम्पॉर्टेंस. सो द लीगल प्रेसिडेंट एज अ गाइडिंग फोर्स ऑफकोर्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कई बार हम अपना केस लेके जाते हैं हम बस CIT अपील या ITAT में मेंबर्स से कहेंगे जैसे ही कि सर दिस माय केस इज़ कवर्ड विद दिस पर्टिकुलर केस, देन इमीडिएटली यू नो दे गेट टू कोरिलेट. कुछ दो चार सवाल पूछेंगे एंड आपका केस चला गया, इट्स ऑल डिसाइडेड. सो द लीगल प्रेसिडेंट एज अ गाइडिंग फोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येस बट आपको ढूंढना होगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, बट अगर आप रेगुलर रीडर हो, आप जैसे न्यूज़पेपर जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं उनको पता होता है कि आज की जो ये न्यूज़ है ये पिछले न्यूज़ से कितनी ज़्यादा डेवलप्ड न्यूज़ है. सो वैसे ही जब आप व्हेन यू आर रीडिंग अ केस लॉ एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर रीडर ऑफ द केस लॉ देन इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो फ्रेमवर्क फॉर कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी विद इन द लीगल सिस्टम, येस यू गेट टू नो दैट द फ्रेमवर्क फॉर वॉट इट इज़ बीन डिज़ाइन, इंटरप्रिटेशन एंड क्लैरिफिकेशन दिस इज़ अमेजिंग. क्योंकि लीगल टेक्स्ट स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशंस में कई बार ओपन या मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं. सो किस सिनेरियो में किस वाले केस में कैसा इंटरप्रिटेशन लिया गया है उसके लिए आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है. एवोल्यूशन ऑफ अ लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल एवोल्यूट होते हैं. सो मैंने कहा प्लेन रीडिंग करने पे जब आप कोई चीज़ समझते हो एंड उसको जब आप उसके बैकग्राउंड में जाके समझते हो इट मे हैव एन अनादर इम्पैक्ट कि जो प्लेन रीडिंग पे आपने समझा और जो दूसरा इम्पैक्ट आया, दोनों ही चीज़ों में दो अलग डिसीजंस हो सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो दिस एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड शिफ्ट्स इन कल्चरल पर्सपेक्टिव्स. यस दिस हैज़ हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू ऑलवेज गो फॉर अ केस लॉ विच इज़ यू नो अ रीसेंट वन. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, केस लॉज provide valuable resource when building arguments or advising clients. Analyzing similar cases and their outcomes can help attorneys strategize effectively, anticipate potential challenges, and develop persuasive arguments that align with established legal principles. Yes. Learning from past mistakes. Yes, generally this happens. Kai baar court ke cases overrule ya डिसमिस कर दिए जाते हैं. से लाइक
सम केस वॉज डिसाइडेड बाई दी हाई कोर्ट एंड डिसमिस्ड बाई दी सुप्रीम कोर्ट. तो क्यों किया है उसका रीज़न होता है. जब भी ऐसा कोई केस आपके सामने आए जहाँ हाई कोर्ट हैज़ अग्रीड टू समथिंग एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ डेफरिंग फ्रॉम इट, देन यू डेफिनेटली रीड टू ऑर्डर रीड टू नीड टू मेक रीड दैट ऑर्डर प्रॉपरली सो दैट यू गेट टू नो कि हाई कोर्ट की कौन से पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट एग्रीड एंड वाई द डिसीजन हैज़ ओवरऑल टर्नड अप. सो लर्निंग फ्रॉम पास केस लॉज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट इंस्टेंसेज वेर लीगल डिसीजंस हैव बीन ओवरटर्नड और करेक्टेड. दीज केसेज हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकली एनालाइजिंग द रीजनिंग करेक्ट बिहाइंड पास्ट जजमेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग एरर्स ऑफ बायसेस. सो द लीगल एजुकेशन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ. द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉज टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस. केस लॉज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर मेंटेनिंग दिस प्रिंसिपल बाय एस्टैब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस. यस, केस लॉज हमें प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं. सो नाउ वी हैव आर नेक्स्ट स्लाइड विच इज जुडिशियल प्रेसिडेंट. यस, इट ऑपरेट्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्टे डिसीजंस विच लिटरली मीन्स टू स्टैंड बाय डिसीजंस. अगर कोई डिसीजन बिल्कुल आपके फेवर में है, आपके फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, तो ऐसे केस लॉज हैं वो ITRs में इनकम टैक्स रिपोर्ट जो होती हैं उनमें रिकॉर्ड होते हैं. CTR हैं, करंट टैक्स रिपोर्ट्स हैं, एंड देन यू हैव द टैक्स मैन पब्लिशिंग ऑल दीज केस लॉज. सो वो आप वहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हो. सो देर आर मैनी सीरीज ऑफ लॉ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड. वो विच एवर यू फाइंड गुड, आप एक्चुअली रीडिंग की आदत डालिए. मेक अ सब्सक्रिप्शन टू एनी ऑफ द जर्नल वेर इन यू हैव दिस केस लॉज रिपोर्टेड एवरी टाइम, सो दैट जब आपके पास आपके सिमिलर फैक्ट्स का कोई केस आएगा देन आप उसे आराम से रेफर कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट के हाउ डू यू यूज़ इट इन योर सबमिशंस. सो मेरे पास आई जनरली यूज़ इट से लाइक मेरे पास ये है जिसमें आई नॉर्मली यूज देम इन माय रिप्लाइज. सो दिस इज़ अ रिटन सबमिशन बिफोर द CITA वेर इन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ फैक्ट अबाउट सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट जिसमें CBDT इज गॉट दी पावर्स टू एक्सरसाइज ऑन सम लॉज और टू यू नो रैशनलाइज सम लॉज और समथिंग लाइक दैट. तो CBDT का कोई भी सर्कुलर होता है इट इज़ बाइंडिंग ऑन दी अथॉरिटीज द इनकम टैक्स ऑफिसर्स. दिस इज वॉट इज बीन सेड. यही है. तो 119 सेक्शन के अंदर दे हैव गॉट वाइड पावर्स इन थ्रू विच दे गिव दीज नोटिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस एंड देन इट इज़ इन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फॉर द अथॉरिटीज. सो मेरा ये केस यही है जहाँ पे CBDT का देर इज़ अ सर्क्यूलर एंड आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दैट सर्क्यूलर एंड उसी के बेसिस पे फिर देन आई हैव सम केस लॉज हेयर. सो हेयर आई एम कोटिंग केस लॉ. कुछ बहुत पुराने केस लॉज भी मैं कोट करती हूँ सो दैट आई गेट टू नो द बेसिक ऑफ वॉट वॉज द बेसिक लॉ. तो उसके लिए देखो आप देखोगे 1999 का मैंने एक केस लॉ कोट किया हुआ है. देन देर इज़ मिस्टर KP वर्गेसर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. हम बहुत सारी जगहों पर इसको केस कोट करते हैं. दिस वॉज इन द ईयर 1981. सोचो आई वॉज नॉट इवन बॉर्न दैट टाइम. सो तब का केस लॉ है एंड वो केस लॉ हम आज भी रेफर करते हैं बिकॉज इट गिव्स यू द बेसिक ऑफ द रूल, बेसिक ऑफ द इंटरप्रिटेशन. फिर उसके बाद आई हैव दिस 2019 का सर्कुलर विच आई एम रेफरिंग एंड देन आई ऑल्सो हैव अ केस लॉ विच इज़ जस्ट रिसेंट January 2024 में जो पास हुआ है. 23 के केस लॉज लुक आई एम 2023 वाले केस लॉज आई एम रेफरिंग. सो कुछ केस लॉज यू नो आप बेसिक रूल को हिट करने के लिए यू मे गो टू दी अर्लियर केस लॉज जहाँ पे देर इज़ अ सेट प्रेसिडेंट विच यू नो इट्स अ सेट प्रिंसिपल के बस आपको इसी को फॉलो करना है. अब आपको ये कई केसेस को जो है ना वो कहाँ कोट करना है वो इम्पॉर्टेंट है. सो इम्पॉर्टेंटली जब हम इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने कोई भी सबमिशन देते हैं व्हेन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न, अगर कोई लॉ का मैटर है जहाँ पे लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है वहाँ पे आप केस लॉ कोट कर सकते हो. बट बेसिकली मैं वहाँ पे कोशिश यही रखती हूँ एंड आई ऑलवेज एक्सप्लेन कि आपको वहाँ पे फैक्ट्स पे जाना है. असेसिंग ऑफिसर के सामने मोर और लेस आपको फैक्ट्स पे क्लैरिटी देनी होगी क्योंकि बहुत बार वो हमारा लीगल वाला पॉइंट देखते नहीं हैं. बट वहाँ भी हमको पॉइंट मेकअप करना है. वी हैव टू पुट इन अ पॉइंट इन आर सबमिशंस दैट
जो भी आपका लीगल फ्लॉ है इट इज़ बीन कवर्ड बाय सो एंड सो केस लॉ, वहाँ वो बेसिक बेशक ना सुने बट देन यू हैव अ वेरी गुड केस बिफोर दी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें कोट करना बहुत सिंपल हो जाएगा एंड यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन दैट हैव बीन टेलिंग दिस टू द AO एंड ही इज़ नॉट लिसनिंग, सो वो उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा केस आ जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो शो कॉज नोटिस पे बनाऊंगी जो कि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट है उसकी, सो आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो। सो वहाँ पे आई विल बी शोइंग कि हम कैसे हमारा जो शो कॉज नोटिस है कैसे होना चाहिए, उस पर जुडिशियल प्रेसिडेंस कितने सारे पॉइंट्स पर आते हैं, बट जब हम उसे एसेसिंग ऑफिसर के सामने डिस्कस करते हैं ही इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट, बट दैट सेम थिंग व्हेन कम्स बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ही वैलिडेट्स इट मैनी अ टाइम्स बिकॉज देन वी हैव ऑर्डर्स ऑफ द ITAT, वी हैव कई बार हम CIT अपील करके ऑर्डर भी लगा देते हैं कि सर देखिए सेम केस है एंड हमारे नेक्स्ट वाले दूसरे केस में ये ऐसे डिसाइड हुआ है, सेम क्लाइंट का सेम दूसरा क्लाइंट है सेम फैक्ट्स हैं, तो हम वहाँ भी वैसे केस लॉ लगा देते हैं एंड दे एग्री, बहुत बार वो सुन लेते हैं ITAT डेफिनेटली वो तो वहाँ पे सुनते ही हैं नो डाउट, बट मैनी अ टाइम्स यू नो यू कैन मेक अ वैलिड केस बिफोर द CIT अपील ऑल्सो एंड वो तो मानते ही हैं ITAT और हाई कोर्ट, अगर ज्यूरिसडिक्शनल ITAT एंड ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट के अगर ऑर्डर्स हैं विच इज़ इन फेवर अपेस कोर्ट तो डेफिनेटली दे कैन नॉट डिनाई, पर अगर वैसे फेवर में है देन यू हैव अ वेरी वेरी हाई चांस, आई मीन 99% यू कैन थिंक ऑफ के येस ऑफकोर्स इट विल हैपन, आपका केस आपके फेवर में आ जाएगा। और अगर कोई अनफेवरेबल केस लॉ भी है उसके लिए भी यू नो आपके पास हमेशा एक पॉइंट होना चाहिए, अनफेवरेबल क्यों है, फैक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि उसमें वो मेरे फैक्ट्स ऐसे हैं उनके फैक्ट्स ऐसे हैं, ये एक मेजर चेंज है जिसकी वजह से मेरा ये जो केस लॉ है ये मुझे फेवरेबल है, सो यू हैव टू यू नो आपको फेवरेबल केस लॉ अनफेवरेबल केस लॉ दोनों, क्योंकि डिपार्टमेंट बोलेगा देखो मेरे पास भी केस लॉ है जो ऐसा नहीं कहता है एंड आप बोलोगे नहीं मेरे पास केस लॉ जो ऐसा कहता है, अब दोनों के फैक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा सो दैट आप अपना जो केस है वो बेटर प्रूव कर सको। बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारे कई बार आपके फेवर में होंगे कई बार आपके फेवर में नहीं होंगे, बट देन यू हैव टू गो विद द बेस्ट ऑफ द केस लॉ विच यू कैन यू नो कोट इन योर केस एंड विच कैन नॉट बी डिनाइड बाई एनीबॉडी, जिसके फैक्ट्स इतने सिमिलर हो आपके साथ कि आपको वो कोई डिनाई नहीं कर सके। एक अच्छा केस लॉ कोट करने से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कहावतें होती हैं ना मुहावरे कहावतें, वो एक लाइन होता है इट्स जस्ट अ वन लाइनर बट देन ऑन दैट वन लाइनर यू नो दैट देर इज़ अ लॉन्ग एसे फॉलोइंग, बस वैसे ही है आप अगर एक केस लॉ कोट करते हो देन आपको पता है कि इस केस लॉ का क्या क्रक्स था, उन्हें पता है द अथॉरिटीज नो कि व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द केस एंड देन आपके लिए वो अपना पॉइंट प्रूव करना बहुत सिंपल हो जाता है। सो इन मैनी इंस्टांसिस अ डिसीजन मे बी डिसअप्रूव्ड, सो अ हायर कोर्ट में स्टेट दैट अनादर केस हर्ड बाय अ लोअर कोर्ट वॉज रॉन्गली डिसाइडेड, सो ऑल्टरनेटिवली अ प्रीवियस डिसीजन मे बी डाउटेड, ऑफकोर्स इफ इट इज़ डाउटेड, जैसे अभी डिन के ऊपर केस है कि नो डिन सो इट्स नॉट अ वैलिड ऑर्डर, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने और बहुत सारे ITATs ने उसको अलाव किया है, येस नो डिन नो ऑर्डर, बट देर इज़ अ स्टे, हाई कोर्ट का भी जो लेटेस्ट डिसीजन आया है जनवरी 2023 में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस नहीं किया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट स्टेड इज़ डिफरेंट देन डिसमिस, दैट मीन्स देर वुड बी अ हियरिंग डन एंड उसके बाद वो केस को सुना जाएगा एंड देन सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू गिव अ रूलिंग ऑन दैट, तो जब सुप्रीम कोर्ट उस पर रूलिंग देगी देन इट विल बिकम द रूल ऑफ द लॉ, सो लॉ ऑफ द लैंड इट विल बिकम एंड देन वी कैन कोट इट इन एनी दिस थिंग, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर हम कोई केस लॉ कोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे हायर कोर्ट से डिसमिस नहीं होना चाहिए, आई मीन दी हायर कोर्ट, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन हम कोर्ट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया है जिस डिसीजन को हम कोर्ट कर रहे हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट केस लॉज अगर अच्छे कोर्ट होते हैं देन मैंने आपको कह दिया ना आप 99% जंग जीते हुए हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कहाँ पे कौन सा केस लॉ यूज़ करना है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आता है, वही आता है कि आपको वेल इन्फॉर्म नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन से वाले केस में कौन से वाला केस लॉ कोट करना है, कई बार मेरे फैक्ट सेम हो सकते हैं बट मैं केस लॉ सेम नहीं कोट करती हूँ, वाई बिकॉज किसी और केस लॉ से मेरे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मैच करते हैं 99% मैच हो रहे, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कोट दैट केस लॉ, तो हमारी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए,
आप जैसे ही आपके पास न्यू न्यू केस लॉज आते हैं, ट्राई रीडिंग इट, ट्राई टू नोट इट डाउन. कहीं पे आप नोट करना चालू करो कि कौन से वाले सेक्शन के लिए कौन सा केस अप्लाई हुआ था, वो ओवर रूल हुआ है नहीं हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन कोट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम आउट ऑफ इट. तो आप रिप्लाई या अपील के केसेस हो तो आप हमें भी रेफ़र कर सकते हैं. हम वी डू प्रोवाइड दो सर्विसेज, सो यू कैन डेफिनेटली कम बैक ऑन दैट. एंड जो भी बेस्ट होता है, जो भी बेस्ट केस लॉज या जो भी बेस्ट रिप्लाइज या अपील्स फाइल होती हैं, वी डेफिनेटली गिव दैट सर्विस. एंड अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, देन आप मेरे रेडीमेड फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हो, सो दैट आप बहुत इजीली खुद रिप्लाई बना सकते हो. मैं जो रेडीमेड फॉर्मेट्स है उसमें भी काफ़ी सारे केस लॉज ऑलरेडी होंगे. उसके अलावा जो उसके बाद नए केस लॉज आए हैं वो आप उसमें और एड ऑन कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज़ इट. इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू इट फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम. सो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी एट सपोर्ट एट कॉन्डेश डॉट इन. सो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, एंड हमेशा उसे कहाँ कोट करना है हमें वो पता होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर, नो वंडर अ नोटिस एंड शिवर्स टू योर बॉडी. दिस इज माई फेवरेट वन, आई ऑलवेज कोट दिस. एंड जस्ट यू जस्ट हैव टू रीड इट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड रिप्लाई टू इट. एंड अगर आपको हमारा एक्सपर्ट असिस्टेंस चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज राइट टू मी एट सपोर्ट एट कॉन्डेश डॉट इन. और अगर आपको कोई इंक्वायरी या कोई क्वेरी भी करनी है, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प. यू कैन जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई गाइड यू अक्रॉस. तो आई होप दिस वॉज अ वेरी वंडरफुल इम्पॉर्टेंट सेशन, एंड यू गाइज लर्न अ लॉट. कोई क्वेरी हो देन डू राइट टू मी. तब तक जय हिंद, जय भारत.